भाई मुकेश सहनी जी, खगड़िया के सांसद कैसर साहब जी, मंच पे बैठे सुरेन मंसूरी साहब जी, शंकर यादव जी, समीर साहब जी और मंच पर उपस्थित मुकेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे साथ आए राज्यसभा के सांसद संजय यादव जी, मंच पे सभी हमारे पार्टी के महागठबंधन के साथीगण, नेतागण, कार्यकर्तागण, सभी पदाधिकारीगण और पारो से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावक, माताएं बहने और नौजवान युवा साथी, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं इस चुनावी जनसभा में। सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। देखिए बैठ के ही बोलना पड़ रहा है, डॉक्टर ने जो मेरे को चोट आई है हड्डी में कमर पे, डॉक्टर ने सलाह दिया कि 3 हफ्ते बेड रेस्ट कीजिए, इलाज चलेगा। लेकिन हमने डॉक्टर साहब को बोला बेड रेस्ट हमको जरूरत नहीं है जब तक हम नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट करा दें। मोदी जी 10 साल तक रहे प्रधानमंत्री और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, बिहार को कुछ नहीं दिया, सब कुछ गुजरात को दिया, लेकिन बिहार ने 40 सांसद दिया उनको, उन्होंने बिहार को ठेंगा दिखाया, उन्होंने आपको ठगा है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को विशेष पैकेज देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। उन्होंने बोला था 6 दिन लाएंगे, महंगाई गरीबी बेरोजगारी खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा था चीनी मिल जितना बंद है सब चीनी मिल चालू करा देंगे। उन्होंने कहा था किसानों का आय दुगुना कर देंगे। उन्होंने कहा सबका पक्का मकान बना देंगे। बताओ भाई और पारो की जनता, अगर एक काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया हो तो बता दो। पारो में है वैशाली लोकसभा का चुनाव है, वैशाली के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है एक काम मिला के बता दो। अरे कोई काम किए मोदी जी वैशाली के लिए? छोटो काम की है, कुछ नहीं किए। तो 10 साल अब मौका मिला मिलेगा उनको सरकार बदलना है कि नहीं बदलना है? नया सरकार गरीब का जनता का सरकार बनाइए, इस तानाशाही को खत्म करना है। ये केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करके नफरत की राजनीति करते हैं, लेकिन असल मुद्दा गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। कितना नौजवान बेरोजगार है जरा हाथ उठा के बताओ। नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी कितना नौकरी दिए? तो दिए कि छीन लिए? तो भाई तेजस्वी कितना दिया? 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए, 3 लाख प्रक्रिया दिए यानी 8 लाख, 4.5 लाख के जो शिक्षक कर्मी को राजकीय कर्मी का दर्जा दिए, तालमेल मरकज विकास में टोला सेवक शिक्षा मित्र के मानदेय को दुगुना किया, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा 75% की, जाति आधारित गणना कराया, आई की पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बढ़ाया,
बिहार में निवेश हो, लोग आए बाहर से पैसा खर्च करे, कुछ करे, इन्वेस्टर मीट करा के 50,000 करोड़ का एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन करवाया, लेकिन इतने में चाचा जी पलट गए। अब चाचा जी पलटे हो उनका फैसला, लेकिन हम तो उनको हमेशा सम्मान देते थे, आगे भी देने का काम करेंगे। बुजुर्ग है, बुजुर्ग है, और हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वो जहां रहे खुश रहे, स्वस्थ रहे, स्थिर रहे, यही हम लोग चाहते हैं। इसलिए आप सब लोग मुन्ना शुक्ला जी को पहचानते हैं, मुन्ना शुक्ला जी को लालू जी ने लालटेन थमाया है, तो लालटेन जलाना है ना, चुप 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 चुप। मुन्ना जी को आशीर्वाद मिलेगा, दोनों हाथ ऊपर करके सब लोग बताइए। और हमारी सरकार बनने जा रही है, देखो हम मुकेश साहनी जी एक हो गए, और अकेले कम से कम 190 रैली कर लिए। हम लोग को रोकने के लिए पूरा भारत सरकार, प्रधानमंत्री, पूरा बिहार सरकार, मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पूंजीपति, गोदी मीडिया सब लगा है, लेकिन हम लोग खाकी बिहारी हैं। बिहारी लोग गुजराती से डराते नहीं है, बिहारी लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देता है। मोदी जी का 11 पर 12 पर आगे पट्टा, एक 35 साल के नौजवान ने नौकरी के धंधे पर मोदी जी को सड़क पे ला दिया है। ऐसे ही ताकत दीजिएगा तो मेरा जो दर्द है वो नौजवान के बेरोजगारी के दर्द से कम है, आपका बेरोजगारी का दर्द ज्यादा है, महंगाई और गरीबी का दर्द ज्यादा है। और तेजस्वी ने थाना है, तेजस्वी ने थाना है, जब तक अपने भाई लोगों को ये जो आपकी दीवानगी है और जो आपका उत्साह, ये हमको भी आप लोगों का दीवाना बना देता है। तो तेजस्वी ने थाना है, जब तक बेरोजगारी से आजादी नहीं दिला देते बिहार के भाइयों को, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। और यही नहीं, हमारी सरकार बनेगी तो राहुल गांधी जी से बात हुई है, राहुल गांधी जी से बात हुई है, हम लोग 1 करोड़ नौजवानों को पूरे देश भर में सरकारी नौकरी देंगे, गरीब परिवार की बहनों को 1 लाख रुपया सालाना, यानी हर महीने गरीब बहन को 8,333 रुपये उनके खाते में कटाक्ष। और यही नहीं, अनाज 5 किलो नहीं 10 किलो खिलेगा। ये मोदी जी गैस सिलेंडर 1200 कर दिए, हम लोग उसको 500 रुपया कर देंगे, 200 यूनिट फ्री में बिजली, अगली वीरता को खत्म किया जाएगा। और पहले जैसे सेना में बहाली होती थी वैसे ही बहाली होगा। मोदी जी हो गए 75 साल के, 5 साल और मांग रहे, हमारे नौजवान के सेना में 25 साल में रिटायर करा दिए 4 साल में। इसलिए समय ज्यादा नहीं है, आप लोगों का ताकत मिले, आप लोगों का आशीर्वाद मिले, अगर जिताना आप पहाड़ों की जनता तो बता दीजिए, अभी ये फरिया लो जिताने के बाद लो दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। मुन्ना शुक्ला जी को जिताइए, और जो 90
नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, उनको सबक सिखाइए। और जो नौकरी की बात करता है, काम की बात करता है, उसको आप लोग चुनने का काम कीजिए। पहाड़ों की जनता, पहाड़ों की जनता, इसलिए आप सब लोगों का साथ मिले और आप समर्थन मिले, यही हम लोग चाहेंगे। और हम लोगों ने तो सब समाज को लेके चल रहा है, आगे पीछे अति पीछे, मुसलमान भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, सबको हम लोग साथ लेके चल। पिछड़ा एम एस सी वाला भी टिकट हम लोग भूमिया समाज को दिए थे, तीन तीन टिकट, चार दिए थे, चार में से पांच दिए थे, पांच भूमिया समाज को, पांच में से तीन जीते। इस बार वैशाली सर ने मुन्ना जी को दिया है टिकट। हम तो इनके समाज के लोगों से, भूमिया समाज से अपील करिए कि मुन्ना जी को वोट दीजिए। मुन्ना जी का ख्याल तेजस्वी रखिएगा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। तो माहौल एकदम टनाटन है, टनाटन टनाटन, और बीजेपी हो रही सफाचट सफाचट सफाचट, और 1 करोड़ नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, और महिलाओं को 1 लाख सलाना मिलेगा खटाखट खटाखट खटाखट। पारों की जनता जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान, चिराग पासवान रोड शो कर रहे हैं, चिराग पासवान रोड शो।